हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोसोलोजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग डोज के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर डोज को अफेक्ट करते हैं आप सभी जानते हैं एडल्ट डोज के कंपेरिजन में एक चिल्ड्रेन और एक ओल्ड एज पर्सन का डोज बहुत ही कम होता है इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं सबसे पहला फैक्टर है एज सेकंड बॉडी वेट थर्ड सेक्स फोर्थ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइव टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिक्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज सेवन इन्वामेंटल फैक्टर एट वन इज़ इमोशनल फैक्टर नाइन्थ इज एक्मुलेशन टेंथ इज सिनर्जिज्म एलेवेंथ इज एंटागोनिज्म ट्वेल्व इज हैचुएसन थर्टीन इज एडिक्शन फोर्टीन इज आडियोसिंक्रेसी फिफ्टीन इज हाइपर सेंसिटिविटी सिक्सटीन इज टॉलरेंस एंड सेवेंटीन इज टैक्फेलैक्सिस अब ये सत्रह फैक्टर तो हमें ईजिली याद होंगे नहीं इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ ट्रिक बनाया है जैसे प्रेस है साथ में बेटी टी प्रेस पी फॉर प्रेजेंस ऑफ डिजीज आर फॉर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर ई फॉर इमोशनल फैक्टर एस फॉर सिनर्जी देन हाई एच फॉर हैबिचुएशन ए फॉर एडिक्शन आई फॉर आइडियोसिंक्रेसी फिर साथ एस फॉर सेक्स ए फॉर एंटागोनिज्म ए फॉर एक्यूमुलेशन टी फॉर टॉलरेंस एच फॉर हाइपरसेंसीटिविटी बी फॉर बॉडी वेट ए फॉर एज टी फॉर टैकीफेलेक्सिस तो आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेस है साथ में बे टेटी अब हम आते हैं पहला फैक्टर एज पे अब हम वन बाय वन फैक्टर अफेक्टिंग डोज के फैक्टर के बारे में बात करेंगे सबसे पहला फैक्टर है एज आप सभी जानते हैं ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रेन में एडल्ट का डोज एडल्ट के कंपैरिजन में कम रखा जाता है क्योंकि उनके ड्रग मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी और ड्रग के एक्सक्रीशन की कैपेसिटी कम होती है क्योंकि उनका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता साथ ही साथ उनमें ड्रग टोलरेंस लेवल भी कम होता है लेकिन कुछ ड्रग जैसे बेलाडोना और डिजिटेलिस का टॉलरेंस लेवल चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा गया है अब हम सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे बॉडी वेट नॉर्मल एडल्ट डोज सेवेंटी के जी बॉडी वेट के हिसाब से बनाया जाता है अगर कोई व्यक्ति सौ किलो का है या मस्कुलर पर्सन है तो उसके बॉडी सरफेस के हिसाब से उसे लेस डोज दिया जाएगा ना कि आप ज़्यादा हैवी हो तो उस हिसाब से आपको हैवी ड्रग दिया जाए तीसरा कंडीशन है अगर कोई चिल्ड्रेन है तो उसके बॉडी की सरफेस एरिया के हिसाब से लेस डोज़ दिया जाता है तीसरा कंडीशन है इसमें तीसरा फैक्टर की बात करेंगे हम सेक्स की आप सभी जानते हैं फीमेल मेल के कंपैरिजन में ड्रग डोज कम लेती है क्योंकि उनका मेल के कंपैरिजन में उनका बॉडी वेट फिजिक और बॉडी का सरफेस एरिया कम होता है ये नॉर्मल और एवरेज वो फीमेल में दिखा गया है कि उनका बॉडी वेट फिजिक और बॉडी सरफेस एरिया मेल के कंपैरिजन में कम होता है इसलिए उनका ड्रग डोज कम रखा जाता है साथ ही साथ फीमेल ड्रग के साथ मोर रिस्पॉन्सिव होती है उनका इमोशनल फैक्टर ड्रग के साथ जुड़ जाता है इसलिए उनका ड्रग डोज कम रखा जाता है तीसरा इसमें कंडीशन है फीमेल को अगर आप कोई ड्रग डोज दे रहे हो तो उसे बदलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम जैसे स्पेशल कंडीशन लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी लैक्टेशन इन तीनों केस में फीमेल का ड्रग डोज बदलते रहना चाहिए अगर कोई किसी भी महिला का मैचुरल साइकिल स्टार्ट है तो उसे स्ट्रॉन्ग प्रगेटिव जो कि स्टूल को ईजी करता है उसको एवॉयड करना चाहिए दूसरा कंडीशन है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे स्ट्रॉन्ग यूटेरस कंट्रैक्शन जो करवाता है ड्रग जैसे एट्रोपिन, हायोसाइमिन उसका अवॉइड करना चाहिए नहीं तो ये चिल्ड्रेन को काम मिसक्रेज करा सकता है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान एल्कोहल एनेस्थेटिक गैसेज लाइक हेलोथेन बारबीचूरेट्स ड्रग नार्कोटिक ड्रग एलएसडी, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए इन सब का सेवन करने से ये ड्र ये सारे ड्रग्स प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके ईजिली ग्रोइंग फीटस के पास पहुंच जाते हैं जिससे ग्रोइंग फीटस में एडवर्स इफ़ेक्ट शो होने लगता है इसका रिजल्ट टेराटोजेनेसिटी इट मींस डेविएशन इन ग्रोइंग फीटस भी हो सकता है या फिर ग्रोइंग फीटस का डेथ भी हो सकता है इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये सब अवॉइड करना चाहिए अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उन्हें एंटीहिस्टामिनस और टेट्रासाइक्लिन अवॉइड एवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट मिल्क में सेक्ट्रीसन होता है जो कि बेबीज़ के लिए हार्मफुल है चौथे फैक्टर की हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी जानते हैं अगर आप आपके किसी रिलेटिव या कोई किसी जान पहचान वाले का तबियत खराब हो या फिर वो नर्वस फील कर रहा हो तबीयत खराब होने के दौरान तो डॉक्टर प्रिफर करता है इंट्रावेनस इंजेक्शन कि इंजेक्शन दे दो ये जल्दी ठीक हो जाएगा इसीलिए डोज ऑफ ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण वैरी करता है अगर आप इंट्रावेनस रूट से किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हो तो ये सबसे क्विकली एबजॉर्ब होगा और सबसे जल्दी काम करेगा इसी तरह उसके बाद इंट्रावेनस के बाद इंट्रामस्कुलर उसके बाद सबक्यूटेनियस देन ओरल सबसे लास्ट में ओरल ड्रग काम करेगा और एक कंडीशन और है इसमें इंट्रावेनस डोज हमेशा सबक्यूटेनियस और ओरल के कंपैरिजन में कम रखा जाता है क्योंकि इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है जैसे इसका एग्जांपल है डायजी पाम डाइजीपाम एक ट्रांकुलाइजर ड्रग है अगर आप इसको इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो सिर्फ ये एक एम यूज किया जाएगा अगर आप इसे ओरली यूज करते हैं तो पाँच मिलीग्राम से लेकर थर्टी एम तक यूज किया जाता है पांचवे फैक्टर की हम बात करेंगे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है जैसे कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करने के लिए काम आता है और प्रोटोन पंप इनहिबिटर का एग्जाम्पल है जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करता है जैसे कि रैनिटिडीन फेमोटिडीन ये खाली पेट में ज़्यादा इफेक्टिव है आप इसे भोजन से पहले लेंगे तो ये ज्यादा अपना इफेक्ट शो करेगा और इसका दूसरा कंडीशन है अगर कोई इरिटेटिंग ड्रग्स हो जैसे कि आयरन आर्सेनिक एसिड कॉड लिवर ऑयल मल्टीविटामिन अगर आप इसे भोजन के बाद लेते हैं तो ये अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगा क्योंकि फूड इन ड्रग फूड इन सारे ड्रग के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता है इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग भी ड्रग्स ऑफ डोजी इफेक्ट करता है अब सिक्स कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ डिजीज आप सभी जानते हैं अगर आप बीमार हैं तो उस कंडीशन में ड्रग्स ज़्यादा काम करेगा ना कि किसी व्यक्ति के हेल्दी कंडीशन में अगर आप डिजीज के कंडीशन में किसी ड्रग्स को देते हैं तो वो अपना एक्शन शो करेगा और उस डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आएगा अगर आप नॉर्मल बॉडी में या फिर हेल्दी कंडीशन में आप किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई टॉक्सिक सिम्टम अपियर्ड करेगा जिससे कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है जैसे कि एग्जांपल में आप कोई एंटीपायरेटिक्स जो फीवर को कम करता है वो ड्रग्स बुखार के कंडीशन में लेते हैं तो वो इफेक्टिव होगा या फिर डिजॉक्सिन कंजेसिव हार्ट फेल्योर के कंडीशन में लेते हैं तो वो इफेक्ट होगा इफेक्टिव होगा अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हो लेते हैं ये सारे ड्रग्स तो आपके बॉडी पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करेगा अब हम बात करेंगे सेवंथ फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की इन्वामेंट के कंडीशन को देखते हुए भी डोज ऑफ ड्रग इफेक्ट होता है जैसे कि अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट में ठंडे वातावरण में अल्कोहल का सेवन करेंगे तो इफ़ेक्टिव और टोलरेटेड माना जाएगा या फिर सिडेटिव जो स्लिप को प्रोड्यूस करता है उसे आप रात में यूज करते हैं तो अपना इफ़ेक्ट अच्छे से सोप कर पाएगा अगर आप उसे दिन में यूज करते हैं तो आपको लार्जर डोज लेना पड़ेगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है एट्थ फैक्टर इज इमोशनल फैक्टर अगर कोई नर्वस पेशेंट है या ल्यूनेटिक पर्सन अर्थात मानसिक विक्षिप्त आदमी है तो वो ड्रग्स के ड्रग्स के लिए ज़्यादा इमोशनल होगा या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा उस केस में उसे कम मात्रा में ड्रग्स दिया जाना चाहिए क्योंकि वो ड्रग्स के प्रति ज़्यादा इमोशनल है और रिस्पॉन्सिव है इसके साथ ही साथ फीमेल्स में भी देखा गया है कि वो ड्रग्स के साथ ज़्यादा इमोशनल है मेल्स के कंपैरिजन में इसीलिए फीमेल्स का ड्रग डोजेज भी कम रखा जाता है नाइन्थ कंडीशन इज एक्यूमुलेशन अगर आप किसी ड्रग्स को प्रोलोंग्ड लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं या तो लीवर में या फिर किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है इसके एक्यूमुलेशन से ड्रग के एल्यूमिने एक्यूमुलेशन से ड्रग्स का जो थेरेपेटिक वैल्यू है जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आता है वो कम हो जाता है अगर ड्रग का थेरेपेटिक वैल्यू कम हो गया तो वो ड्रग्स उल्टा रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन या टॉक्सिक सिम्टम्स शो करने लगेगा बॉडी पे वो ड्रग्स काम ही नहीं करेगा उल्टा वो ड्रग्स बॉडी पे टॉक्सिक सिम्टम्स शो करेगा दसवां फैक्टर है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म कंडीशन है अगर आप दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को कम्बिनेशन में यूज करेंगे तो या तो उस ड्रग्स की थ्रेपेटिक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी लेकिन दो या दो से अधिक ड्रग यूज होना चाहिए कभी कभी दो दो ड्रग्स को कम्बिनेशन में आप यूज करते हैं तो दो ड्रग के इंडिविजुअल इफेक्ट को पोटेंशिएशन कहा जाता है और वो दो ड्रग का कम्बिनेशन किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में अच्छा काम आता है जैसे एफ एफेड्रीन एंड एड्रीनलिन इन दोनों को कम किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा ब्रोंकोडायटर बनता है लेकिन इन दोनों ड्रग्स में किसी को भी आप सिंगल यूज करते हैं तो ये अपना कम थेरेपेटिक वैल्यू शो करेगा अगर आप या तो एफियड्रीन या एड्रीनलिन को इंडिविजुअली यूज करेंगे अकेले अकेले यूज करेंगे तो ये सिर्फ 80 से 90 प्रतिशत अपना थेरेपेटिक वैल्यू शो करेगा बट इसके कॉम्बिनेशन एक बढ़िया ब्रोंकोडाइलेटर बन के आता है सिनर्जिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल चीज़ है क्योंकि कभी कभी सिंगल डोज अपना थेरेपेटिक वैल्यू शो करने में फेल हो जाता है तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है दो ड्रग्स के कंबिनेसन को जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में अच्छे से काम आ सके और अपना थेरेपेटिक वैल्यू शो कर सके इसके और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे पैरामिथाम एंड सल्फाडॉक्सिन जिससे इंडास का आता है पैरल्फिन टैबलेट पैरामिथाम क्या है एक एंटी मलेरियल ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है और सल्फाडॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है अगर पैरामिथाम और सल्फाडॉक्सिन को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो वो अपना अच्छा इफेक्ट बढ़िया इफेक्ट शो करेगा साथ ही साथ सल्फाटॉक्सिन क्या है बैक्टीरियल सेल वाल को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करने से रोकता है जिससे कि बैक्टीरियल सेल वाल की डेथ हो जाती है अब हम एलेवन फैक्टर एंटागोनिज्म की बात करेंगे एंटागोनिज्म अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देता है या दूसरे ड्रग के थेरेपेटिक वैल्यू को रिड्यूस करता है तो उस कंडीशन को एंटागोनिज्म कहते हैं अगर मान लो ए और बी दो ड्रग है तो इन दोनों का सम सम मीन्स इन दोनों के इफेक्ट को जोड़ेंगे तो ये ड्रग ए के इफेक्ट से प्लस ड्रग बी के इफेक्ट से भी कम होगा क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर करने लगते हैं इनके इफेक्ट को कम कर देते हैं जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो एड्रीनलिन और एसीटाइल कोलिन को अगर एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि एड्रीनलिन वैसो कंस्ट्रिक्सर है ये हार्ट के पंप में काम किए आता है उसके ब्लड ब्लड को अच्छे से पंप कराने में काम आता है जबकि एसीटाइल कोलाइन आर्टरीज को डायलेट कर देता है वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टीज का होता है अब हम बात करेंगे ट्वेल्व कंडीशन हैबिचुएशन एंड एडिक्शन की सबसे पहले जानेंगे हैबिचुएशन अगर कोई ड्रग या कोई एजेंट आप लगातार ले रहे हैं क्योंकि इससे आपका इमोशनल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर जुड़ा हुआ है कि हम ये खाएंगे हम ये पिएंगे तो ही हमारा कुछ काम होगा इसे ही इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं तो इसे ड्रग हैबिचुएसन कहा जाएगा जैसे बहुत सारे व्यक्ति में चाय की आदत हो जाती है चाय की लत लग जाती है कॉफ़ी की या फिर ट्रांक्यूलाइजर ड्रग लाइक डाया की तो इसे हेबिचुअल ड्रग कहा जाएगा ये छूट सकता है इसकी आदत कम हो सकती है बट एक और भी डेंजरस कंडीशन है एडिक्शन ड्रग एडिक्शन की ड्रग एडिक्शन है टोटली totally साइकिक आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उस ड्रग पे डिपेंडेंट हैं अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा आपको तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम दिखने को मिलेंगे विड्रॉल सिम्टम में वॉमिटिंग स्कीन रैसेज साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, मेंटल डिस्टरबेंस, ये अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्टेड है और उसे ड्रग ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है वो लुनेटिक पर्सन में भी कन्वर्ट हो सकता है जो कि समाज के लिए एक बहुत ही बुरा कंडीशन है ड्रग एडिक्शन का अब हम थर्टीनथ कंडीशन थर्टींथ फैक्टर आइडियोसिंक्रेसी की बात करेंगे आइडियोसिन्क्रेसी नॉर्मली हमें हम बोल सकते हैं इसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आइडियोसिंक्रेसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कुछ व्यक्ति में कुछ इंडिविजुअल में ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एबनॉर्मल इफेक्ट शो होने लगता है ये एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जैसे आप प्रोलोंग जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे अगर आप प्रोलोंग्ड यूज करते हैं डेप्सोन या क्लोराम का किसी किसी इंडिविजुअल में ए प्लास्टिक एनेमिया खून की कमी का सिम्टम अपेयर्ड होने लगेगा या फिर आप प्रोलोंग्ड यूज करते हैं एनेसेट्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का या फिर एमियोडेरोन जो भी कार्डियो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है अगर ये प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो फ्यू इंडिविजुअल में ड्रग्स के द्वारा इंड्यूस जो हेपेटाइटिस होता है उसका सिम्टम अपियर्ड होने लगेगा अगर आप स्प्रीन यूज करते हैं तो गैस्ट्रिक हिमोरेज का भी सिम्टम कहीं कहीं दिखने को मिलता है अब हम बात करेंगे फोर्टीन से फैक्टर हाइपर सेंसिटिविटी की हाइपर सेंसिटिविटी जनरली एक एलर्जिक रिएक्शन है या फिर एक टॉक्सिक रिएक्शन है किसी भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर आप फ्रिक्वेंट लगातार यूज करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक्स या मल्टीविटामस की तो सेंसिटिविटी लाइक स्किन बेसेज नौसिया लाइक कंडीशन सिम्टम अपियर्ड होने लगता है अब हम बात करेंगे फिफ्टींथ फैक्टर टोलरेंस की अगर कोई नॉर्मल डोज अपना थेरेपेटिक वैल्यू शो करने में फेल हो जाता है तो एक लार्जर अमाउंट में उस पेशेंट को ड्रग दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल थेरापेटिक वैल्यू अचीव कर सके इसे ही ड्रग टोलरेंस कर कहते हैं अगर आप किसी भी ड्रग्स को प्रोलोंग यूज करते हैं ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो वो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है और वो कुछ समय बाद अपना थेरापेटिक वैल्यू शो करना बंद कर देता है जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्मोकर्स स्मोकर्स अगर निकोटीन को टोलरेट कर लेता है वैसे ही अल्कोहलिक पर्सन कोई भी लोकल एनेस्थेटिक या फिर एल्कोहल युक्त मेडिसिन का टोलरेट कर लेता है और एक एग्जांपल है रैबिट का रैबिट भी लार्ज अमाउंट ऑफ एट्रोपिन को टोलरेट कर लेता है क्योंकि इनके ब्लड में एक इंजाम पाया जाता है एट्रोपिन स्टोरेज जो कि एट्रोपिन को टोलरेट करने में मदद करता है एंड द लास्ट वन फैक्टर इज टैकीफेलेक्सिस अगर कोई ड्रग रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड करा जाए सॉफ्ट टाइम पे बहुत ही कम समय पे रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है तो सेल रिसेप्टर्स जैसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स कार्डियोटोनिक रिसेप्टर्स एच वन रिसेप्टर एच टू रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर ये सारे रिसेप्टर ब्लॉक्स होने लगते हैं जिससे कि ड्रग्स का टॉलरेंस अपियड होता है वो ड्रग्स अपना थेरेपेटिक वैल्यू शो ही नहीं कर पाएगा और ना ही कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाएगा ये ये जनरली एक एक्यूट टॉलरेंस कंडीशन है जिसमें इसके ट्रीटमेंट के लिए टेकिफेलेक्सिस के ट्रीटमेंट में अगर उस दवा को आप कुछ समय तक छोड़ छोड़ देते हैं या फिर कुछ समय के बाद उस दवा का यूज करेंगे तो ये टेकिफेलेक्सिस का कंडीशन सही होगा थैंक यू दोस्तों